नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज नीतू जी लगी है अपना पिटारा खोल के, सर्दियों वाला पिटारा। तो नीतू जी ने खोला है सर्दियों वाला पिटारा, तो इसमें गर्म कपड़े निकाल के इन्होंने सेट करना आज सुबह से ही शुरू कर दिया है। सुबह से नहीं किया है, सारा काम करके अपना। हाँ, मतलब किचन घर के काम खत्म करके तब भी उन्होंने ये अपना पिटारा खोला है, क्योंकि ये काफी दिनों से रखा था पिटारा इनका। तो हमने कहा भाई, हम बीन बजा देते हैं, तुम पिटारा खोल। तो हो गया ना, तो बीन तो बजाओगे ही, खुद तो रख गए कपड़े। तो हमने कहा कि भाई कुछ हेल्प करा दें तुम्हारी, क्योंकि ये जो महिलाएं काम करती हैं 2 घंटे में, ये वाले कुछ काम जो होते हैं, कुछ ये टाइम क्यों लग रहा है, बड़े बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उन कपड़ों को, क्योंकि बहुत सालों बाद मिला, काफी महीनों बाद मिलाकर धोई है इन कपड़ों से, तो नए जैसे लग रहे हैं। जैसे सभी का फील होता था पहले, आप सभी को याद भी होगा, जो सर्दियों के कपड़े जब निकलते थे तो ऐसा लगता था नए कपड़े हैं, पहन के सबको चेक करना। पहले चेक किए, अभी इन्होंने कैप लगा के, मैंने कहा शीशा यहीं रख लो, क्योंकि हर बार उठ के वहां मिरर पे जाना है, तो मैंने कहा एक छोटा मिरर यहीं रख लो, यहीं चेक करते रहो। तो नीतू जी लगी पड़ी है इसमें, मैंने कहा थोड़ी हेल्प करा दूं, तो मना कर रहे हैं, क्योंकि मैं फटाफट करवा के रखवा दूंगा, इन्हें मतलब निहार ना आए। तो है ही, मैं देख रही हूं कौन-कौन से कपड़े सही हैं। दो, दोस्तों लेकिन 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 महिलाओं का रहता है ना कि शॉपिंग करने जाना, ये करने जाना है। तो एक बात और बता दूं, कुछ के तो अभी टैग भी नहीं छूटे लास्ट ईयर के, मतलब अभी यूज नहीं किए, टैग लगे हैं। दो बैग निकाले तो देखो जब शादी में या पार्टी में जा रहे हैं तो कपड़े नहीं है, अब रखने के लिए जगह नहीं है, अब रखने के लिए जगह नहीं है, इतने सारे जगह तो है ही नहीं ना, क्या करें। ये इतना जो माल मसाला भर रखा है इन्होंने, सेट कर लिया माल मसाला, गया सही से, पहले बिखरा जाता है फिर समेटा जाता है, अब धीरे धीरे सेटिंग करो। फिर आप मार्केट जा रहे थे ना, या आप खेत आप मार्केट जा रहे थे तो आप जाओगे मार्केट, मैं तो नहीं जा रही ना, अब आप अपना लेके आओगे मार्केट से, जो भी लेके आओगे। ये मेरा अजगर वाला स्वेटर, ये इतना पुराना स्वेटर है मेरा, इसका मैं पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन नहीं तो मतलब अब तुम देख लो, तुम खुद कह रही हो लेकिन मेरे उस स्वेटर के लिए लड़ती हो मुझसे। आपका जो क्रीम कलर का स्वेटर है, क्रीम कलर का, दोस्तों एक मेरा शादी से भी पहले का स्वेटर है, बहुत फर्स्ट क्लास स्वेटर है। फर्स्ट क्लास नहीं है, दिखाऊं कहाँ रखा है? ना रखो, बहुत अच्छा स्वेटर है और मतलब काफी टाइम हो गया शादी से पहले का है, तो शादी से पहले का तो कितने साल हो गए सोचो, तो शादी से पहले का है, लेकिन उसकी क्वालिटी वाइज उस टाइम पे बहुत बढ़िया स्वेटर था, बहुत शानदार। अब भी उसकी मतलब अब भी वो खराब नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो मैंने ये बोला ही नहीं किसी को, मैंने कहा नहीं दूंगा मैं मैं नहीं दूंगा इसे, ये मेरी बहुत पुरानी याद है, उस याद को रखेंगे संभाल के नहीं कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मेरा ये सही है, मेरे को ये मैं कह रहा हूँ ना, ये जैसे ये मेरा कवाड़ा तो सही लग रहा है, तो ऐसे मेरे को वो लग रहा है, इसको पुरानी चीजें, ये तुम लोगों को पता नहीं क्या होता है, दिखाऊंगी इनके स्क्रीन का भी कवाड़ा दिखाऊंगी, उसको इतना संभाल के संजो के रखा है, बैग में रख दिया तुरंत, मैं निकाल के किसी को दे दो इसको, ना ये नहीं दूंगा और कोई दे दो चाहे, अभी यहाँ खोल के दिखाऊंगी दोस्तों को, गिफ्ट किसी ने भी दिया थी, इससे क्या मतलब, ये तो इसका भी बहुत फर्क पड़ सकता है, दिया किसने था है, ये बताओ पहले, कहीं किसी स्पेशल बंदे ने दिया हो इसलिए मैं निकाल रहे हूँ। अम्बे चलो फिर आप हो जाओ मार्केट में, अपना ही निपटा लो काम, है ना। ठीक, तो दोस्तों आज मैं गई थी शाम को प्रोग्राम में और अपने ये साड़ी वाड़ी पहन के, उसके बाद आके अपना किचन विचन में लग गई, तो ब्लॉग का तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा, और वहाँ से एक था प्रोग्राम, बोला जो शादियाँ चल रही हैं तो लगन लगन लिखी जानी थी, मतलब गुड़िया उसकी, तो
वहां गए थे, वहां से आने के बाद तो ये देखिए मेरे पास आया है एक पार्सल, मैंने खोल लिया है पहले, लेकिन आपको दिखाती हूँ और कहाँ से आया है ये। तो ये आया है रुद्रपुर उत्तराखंड से, और एनिवर्सरी दोस्तों आ रही है मेरी 2 दिसंबर की, तो पहले से ही गिफ्ट आने शुरू हो गए। और ये हैं देखिए प्रोन्नति जी हैं, प्रोन्नति जी ने भेजा है ये, मैं खोल के देखती हूँ। देखो इतने सुंदर सुंदर ब्लाउज भेजे हैं, इतनी प्यारी प्यारी डिजाइन, और ये 2 कलर आए हैं, बहुत ही प्यारे सच्चे में, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने पहले खोल के देख लिए थे, ये देखिए, ये मैंने पहले ये सोच लिया है कि मैं कैसे पहनूंगी इसको। वाइट साड़ी है मेरे पास एक, उसके साथ पहनूंगी, वाइट साड़ी के साथ बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मैं सोच भी रही थी इस टाइप का लेने का, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी देखा ही नहीं इस टाइप का ये वाला, मतलब अगर मुझे दिखता तो मैं ले लेती पहले ही, लेकिन उन्होंने भेजा है मेरे लिए, उन्होंने बता दिया था मुझे पहले से ही फोन पे कि मैंने आपके लिए भाभी ले लिया है ये, और आपको कैसे लगे बताना जरूर मुझे। तो सच्ची में प्रोन्नति जी बहुत अच्छे लगे मुझे, अभी तो एनिवर्सरी आई भी नहीं, उससे पहले गिफ्ट भी आने शुरू हो गए, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं, मतलब मेरे लिए इतना कुछ सोचते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्रोन्नति जी बहुत अच्छे लगे मुझे ये गिफ्ट आपके, और एक दो गिफ्ट और आए हैं, दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। तो दोस्तों इतना प्यार देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई जो नफरत भी करते हैं, तो तब थोड़ा सा दुख तो लगता ही है, लेकिन कहते ना जो प्यार है ना वो भारी पड़ जाता है, तो इस बात से मैं तो खुश रहती हूँ कि चलो नफरत करने वाले लोग रहते ही हैं 2-4%, तो कोई बात नहीं, करने दीजिए उन्हें भी, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत रहती है, और प्यार करने वाले ज़्यादा हैं। तो जल्दी ही पहनूंगी इन्हें मैं। तो दोस्तों अभी आया था, अभी मतलब आंटी अंकल से बात हुई है, मुजफ्फरनगर वाली आंटी अंकल से, तो उनकी अभी है 19 दिसंबर की देवती का बर्थडे, तो उन्होंने बोल दिया कि बस स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आना है, बस आना है तो आना है, मतलब पैक कर लो अपना अभी से, अभी से अपना बैग पैक कर लो, कोई मतलब ना नहीं सुननी है बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं कैसा रहता है जाने का, वैसे है जाने का तो है, जैसे लास्ट टाइम भी था हमारा जाने का, लेकिन बीच तबीयत कितनी खराब हो गई थी मेरी, है ना, लेकिन फिर भी हम चले गए थे तबीयत सही करके, मुझे था क्योंकि आंटी प्यार बहुत ज़्यादा प्यार मानती हैं, तो जाना तो है ही, लेकिन हम देखते हैं, वैसे है जाने का तो, अभी अंकल से ही बात हुई, आंटी से भी दोनों, आंटी ने तो सीधा बोल दिया बिल्कुल ना तो मैं सुनूंगी ही नहीं बिल्कुल भी, ये नहीं सुन सकती कि ना कैसे, मतलब अधिकार है उनका इतना प्यार करते हैं बहुत ज्यादा नहीं ऐसे इसकी तबीयत जल्दी खराब होती है, ऐसे तो रजाई में डाल के पीछे ले जाइए डाल के तब नहीं गई, बहुत अच्छी आ रही थी मुझे इसको तो गाड़ी में डाल लाना, बस ले आना, हम अपने आप ठीक कर लेंगे, बस इसी का डाउट रहता है, जल्दी से इसको सर दर्द रहता है, जल्दी बीमार हो जाती है तो कह रहे बस तू आ जाओ, बस कह रहे आ जाना, बस जो मर्जी हो ठीक, तो हम अपने आप कर लेंगे, और यहाँ से अपना आशीर्वाद दे के हम भेजेंगे, अपने आप सही हो जाएंगे तो इतना प्यार और करते हैं, तो देखते हैं जाएंगे, वैसे भी हमारा है 100% तो है जाने का 19 दिसंबर का। तो एक और खुशखबरी है वैसे, अब वो बताएंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और चलिए फिर दोस्तों अभी फिलहाल मिलते हैं, देखने मेरे तो मच्छर खा गया है, दर्द कर रहा है मच्छर, स्वर्ग में कहां से आए मच्छर, मच्छर भी तो कैसे, मच्छर भी आशिक हैं तुम पर क्या करूं हाय मैं क्या करूं कुछ नहीं करना, मच्छरों को भगाओ, बोला चल रहा है सारा दिन चलती रहती है, मच्छर मारा है अभी मैंने, वो उससे मारते रहते हैं वो रैकेट से बच्चे आवाज आ रही है, बच्चे तो भाई सार्थक और शगुन तो उसी से ज्यादातर उसी से उड़ाते रहेंगे मच्छरों को उनको खेलने को मिल जाता है ना वो, इसलिए चटर पटर करते रहते हैं उससे। तो चलिए दोस्तों कल के ब्लॉग में बताएंगे एक और खुशखबरी, और फिर चलिए मिलते हैं फिलहाल अब नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।